आजमगढ़ श्रेया मामले में आया नया मोड़। जब सांसद दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ पहुंचते हैं, उनके परिवार वालों से मिलते हैं, माता पिता की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद वो मीडिया में क्या कुछ कहते हैं ये सुनने लायक है। दिनेश लाल निरहुआ परिवार वालों को आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। परिवार वालों को आश्वासन देते हुए वो क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो में आप देखिए। सांसद जी, आपने पीड़ित परिवार से मदद मुलाकात किया है, आपने पूरे घटनाक्रम को सुना है, किस तरह से इनको मदद का आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना हुई है, इस घटना से पूरा जिला आहत है जी। और जिसे भी इस घटना की खबर मिली सब लोग बहुत दुखी हुए हैं। और चूंकि हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके बच्चे के साथ हुआ है तो हमारे बच्चे के साथ नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से अगर इसमें कोई भी, जैसा कि इनका कहना है कि ठीक तरह से जांच नहीं हो पाई, तो अपनी बात इन्होंने महाराज जी को भी जाके कह दिया है, बता दिया है जी। और आज हम लोग भी जैसे आए तो पहले मिलने आए, क्योंकि हम लोग दिल्ली में थे, सदन चल रहा था, लेकिन लगातार घटना पे हम लोग रखे हुए थे नज़र, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या जांच हो रही है। तो अब जो है, एक बात तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि घटना कोई भी हो, उस घटना के पीछे सत्य क्या है ये हर किसी को जानना ही चाहिए और ये सामने आना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर जो विद्यालय परिवार है वो ये मानता है कि उसमें उनकी कोई संदिग्धता नहीं है या उनका कोई हाथ नहीं है, तो फिर वो जांच में उनको सहयोग भी करना चाहिए। अगर इनका आरोप है कि बच्ची ने आत्महत्या नहीं किया, इनका ऐसा कहना है, और स्कूल का कहना है कि बच्ची ने आत्महत्या किया, तो अगर बच्ची ने आत्महत्या किया ऐसा स्कूल मानता है, तो जांच में उनको सहयोग करना चाहिए। जो भी साक्ष्य हैं उनके पास, वो सारी चीज़ें उनको दिखानी चाहिए, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज होगा, बाकी जो चीज़ें होंगी, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम वो तो बताएंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो निश्चित रूप से इस पर सही ढंग से जाँच करके, और अगर इसके पीछे कोई दोषी है तो उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आजमगढ़ पुलिस प्रशासन जो जांच कर रही थी उससे संतुष्ट थे, अचानक से जो जांच मऊ ट्रांसफर कर दी गई उस पे लेकर उनको संदेह बना हुआ है, इसमें मैंने आपसे वही बात कहा कि अगर कोई व्यक्ति ठीक है, सच है, और उसको लगता है कि उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, तो उसको फिर ये सब चीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब यहाँ जांच हो रही है तो यहाँ जांच होके आ जाती बात, जो भी सच है या जो भी, अगर उनके पक्ष में या इनके पक्ष में, तो ये जितनी चीज़ें हो रही है ये और शक के दायरे में उनको लाएगी। और मुझे लगता है, क्योंकि फाइनली ये लोग भी तो छोड़ने वाले हैं नहीं, आप यहाँ से अगर छोड़ देंगे और इनको नहीं संतुष्टि है और ये कह रहे हैं कि हम इसकी जाँच कराएंगे, तो ये फिर न्यायालय में जाएंगे, तो आज नहीं तो कल सच तो सामने आएगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबको सहयोग करना चाहिए, चाहे स्कूल के अध्यापक हों, चाहे प्रिंसिपल हों, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हों, सबको सहयोग करना चाहिए और सच क्या है वो सामने आना चाहिए। पीड़ित परिजनों का ये कहना है कि वो अपनी बात मुख्यमंत्री से ढंग से कह नहीं पाए समयाभाव के कारण, तो आप इनको क्या आश्वासन देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप बात करेंगे इस संदर्भ में? बिल्कुल करेंगे, और इन्होंने अपना, भले ये बात अपनी कह ना पाए हों, पर इन्होंने अपना आवेदन वहाँ दिया है जी, और आवेदन जो भी वहाँ जाता है उसको बारीकी से पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है, और उस पर फिर कार्रवाई होती है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। दिनेश जी, पीड़ितों का ये आरोप है कि जिस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया में ला के कोर्ट तक तो मामला गया ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से 38 घंटे 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई, वकीलों को ये है कि इस तरीके का केस आज तक पूरे जीवन में नहीं देखा गया जिस तरीके से जल्दी। तो मैंने आपको वही कहा कि जब भी इस तरह की कोई चीज होती है कि पहले कभी हुआ नहीं और अचानक हो गया, तो और शक में आता है, तो निश्चित रूप से उनका पक्ष और कमजोर होगा ना। मेरा कहना वो है, अगर जिस तरीके से जांच चल रही थी, सीधे सीधे अगर चलने दिया गया होता, सीधे सीधे चीजें सामने आती, तो ना इनको शक होता ना आप लोगों को शक होता। लेकिन ये जो आपने कहा कि
अचानक से ये तत्काल करके कैसे कर दिया गया, तो फिर उस पर इनको भी शक हुआ। अब ये और चाहते हैं कि उसमें और जांच हो, तो ये मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंच गए। अगर आजमगढ़ के टीम ने ही जांच करके दे दिया होता तो इनको मुख्यमंत्री जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर इसको मऊ ट्रांसफ़र करके और इसको जब घुमा दिया गया तो इनको शक और आ गया कि भाई यहाँ हो रहा था तो वहाँ क्यों भेजे, तो इसलिए ये मुख्यमंत्री जी के पास गई है ना। तो अब इनका आवेदन वहाँ पहुँचा है तो उस पर कार्रवाई होगी, इसमें कोई दोराय नहीं। आप यहाँ के सांसद हैं, आपसे बड़ी उम्मीद थी और जी। कई तरीके से सवाल उठ रहा था कि दिनेश जी का अभी क्या प्रक्रिया, तो आपने अब तक क्या पहल की है और आगे क्या आपको? मैं सदन चल रहा था, दिल्ली में था, पर मुझे जिस दिन पता चला मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उस घटना को देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। तो ये लोग जो बात कह रहे थे वो भी मैं देख रहा था, जो स्कूल में बच्चे कह रहे थे वो भी देख रहा था, जो पुलिस प्रशासन कह रहा था वो भी मैं देख रहा था। और अब जब मैं यहाँ आया तो मैंने गुड्डू भैया को, चूँकि हमारे यहाँ के यहाँ से जो विधायक हाँ, तो इनको मैंने कहा कि चलते हैं, हमको लेके चलिए वहाँ, समझते हैं कि क्या हुआ अभी तक और आगे क्या करना है। तो आके पता चला कि इन्होंने आवेदन दे दिया है मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो अब अगर उनके पास पहुंच गया है तो निश्चित रूप से सही कार्रवाई होगी। किसी भी स्कूल में कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले तो जैसा कि इन्होंने भी कहा कि हर बच्चे को सबसे पहले हम तो ये कहना चाहेंगे हर बच्चे को कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा आपके ऊपर आरोप नहीं है, कोई ऐसा आपका दुर्गुण नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आप अपना जीवन गंवा दें, तो ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी बच्चे के साथ इस तरह का होता है तो उस पर सही जांच करके, और अगर कोई दोषी है तो उसको सही तरीके से सजा होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग का आरोप है कि मान्यता भी 8 तक ही थी इस कॉलेज की और इंटर तक चलाया जा रहा था, तो अब तो सब कुछ निकलेगा ना। मैं वही कह रहा हूँ कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके पीछे जो जो चीज़ें हैं अब तो सब सामने आ जाएंगी ना। एक चीज़ छुपाएंगे तो 100 चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो अगर इस तरह का जैसा आप कह रहे हैं आरोप है कि 8 तक मान्यता और वो 12वीं तक चल रही है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आपके संसदीय क्षेत्र में घटना हुई है तो ऐसे में तमाम स्कूलों के प्रबंधकों से और तमाम बच्चों से आपकी क्या गुजारिश होगी ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो? मैं सबसे पहले तो सभी स्कूल के प्रबंधकों से, अध्यापकों से ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चे आपके विद्यालय में आते हैं पढ़ने के लिए, आपका कोई अधिकार नहीं है किसी भी बच्चे को टॉर्चर करने का, उन पर हाथ उठाने का या किसी भी प्रकार से उनको मानसिक पीड़ित करने का या उनको शर्मसार करने का, उनको बच्चों के बीच में बेइज्जत करने का, बिल्कुल नहीं। आप पढ़ाने के लिए हैं, आप पढ़ाइए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप उनके अभिभावक कह दीजिए कि आपका बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं है, बात ख़त्म। किसी भी बच्चे के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। और बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपने माता पिता से हमेशा ऐसा संबंध रखिए कि आपको कोई बात छुपाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। विद्यालय में आपके साथ क्या चल रहा है, आपकी पढ़ाई क्या चल रही है, दोस्तों के साथ क्या चल रहा है, आप अगर कोई परेशानी है, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है, आपकी हर परेशानी का इलाज माँ बाप के पास है। तो बच्चों को भी और अध्यापकों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने स्कूल में जाता है, कोई अभिभावक अपने बच्चे को भेजता है वहाँ शिक्षा लेने के लिए, इस तरह की घटना के लिए नहीं।